सोशल मीडिया पर इन दिनों मैगी को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। इस दावे में ये कहा जा रहा है कि इंस्टेंट नूडल मैगी में स्वाद बढ़ाने के चक्कर में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर कई इन्फ्लुएंसर्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें ये दावा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। मैगी के साथ ही साथ कई अन्य पैकेज्ड फूड्स में ऐसा फ्लेवर एनहांसर डाला जाता है जो सुअर की चर्बी से बनता है। इन वीडियोस को देखकर लोग सकते में हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या वाकई मैगी में सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया में किए गए दावे के मुताबिक स्वाद बढ़ाने के लिए कई कंपनियां स्वीट एनहांसर का इस्तेमाल करती हैं, जिसका मैगी के साथ ही साथ अन्य पैकेजिंग पर भी E631 और E635 खाद्य पदार्थ मिलाए जाने की बात लिखी रहती है। इस दावे का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि E635 और E631 जानवरों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन जानवर ही इस एनहांसर का इकलौता स्रोत नहीं है। नेस्ले ने अपनी वेबसाइट पर भी सफाई देते हुए लिखा कि मैगी के E635 एनहांसर को बनाने के लिए चुकंदर और ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो जानवरों से नहीं लेते। वहीं लेज ने भी कहा कि वो अपने E631 के लिए टेपियोका का इस्तेमाल करते हैं जो एक पौधे से आता है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के मुताबिक किसी भी खाद्य पदार्थ पर लाल यानी कि मांसाहारी और हरा यानी कि शाकाहारी डॉट होना जरूरी है। मैगी के चिकन विकल्प को छोड़कर सभी पर हरा डॉट लगा हुआ है। जनवरी में भी FSSAI ने मैगी के सेवन को सेफ ठहराया था। मैगी के अंदर सुअर की चर्बी होने की खबर पूरी तरह से गलत है।